स्वागत है एक नए व्लॉग में। तो ये व्लॉग जो है फिर से एनिवर्सरी का है, दो दिन बाद ये व्लॉग में बना रहा हूँ, क्योंकि कल जो है भैया और भाभी का एनिवर्सरी है, उनका वन ईयर पूरा हो रहा है। तो आज मैं ऑफिस से अभी जस्ट आया, तो यहाँ पर छत वगैरह जो है वो डेकोरेट हो चुका है। तो प्लीज़ लाइट जलाओ, छत दिखाओ थोड़ा। Yeah, I got what it takes. Made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks. Feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight. Never stopped, never changed. All the squad here to play. And I've got something to say, yeah. बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है हमारे छत को। जैसा हमने कहा था कि हमें अम्ब्रेला टाइप चाहिए, उसी तरह से इन्होंने सजाया है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हमारा जो डिश होगा वो बिरयानी होगा, चिकन बिरयानी। तो उसके रिगार्डिंग सारा बर्तन वगैरह आ गया है, तो ये तो कल बनेगा, कल शूट करूँगा। मगर अभी रात को जो है मेहंदी चल रहा है, यहाँ पर मेहंदी लगाया जा रहा है। ये मम्मी है, मम्मी को दोनों ही हाथों में मेहंदी लगाया जा रहा है, बहुत ही अच्छा। और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, देख रहे हैं, और ये घर के कोई आर्टिस्ट नहीं है, ये घर के ही हैं। बहुत अच्छे आर्ट करते हैं ये लोग मेहंदी से। तो डेकोरेशन जो है सब पूरा हो चुका है, अभी रात 12:30 बज रहा है, विश भी कर दिया गया। लास्ट टाइम अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा पापा मम्मी का एनिवर्सरी, तो जाके प्लीज़ देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। बट ये वाला जस्ट उसके दो दिन बाद ही हो रहा है, एंड मैं ये शायद कल है एंड परसों मैं इसे अपलोड कर दूंगा रात तक में। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा वीडियो। तो कल जो है ये थोड़ा सा बड़ा करके किया जा रहा है, क्योंकि इनका फर्स्ट एनिवर्सरी है। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे डेकोरेशन से आप समझ पा रहे होंगे, बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए अभी तो फ़िलहाल मैं सोने जा रहा हूँ, थक गया हूँ ऑफिस से आकर। तो आप लोग भी सो जाओ, गुड नाइट, शुभरात्रि, फिर मिलते हैं कल, बाय बाय। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, यहाँ पर सुबह हो गया है। आज जो है भैया भाभी का एनिवर्सरी है, खाना ऊपर बन रहा है। तो चलिए ये देखिए, यहाँ पर बिरयानी का डेक जो है रेडी हो रहा है, आलू चिकन वगैरह रेडी हो रहा है। भाई मुंह में पानी आ जाता है बिरयानी का नाम सुनने से। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो, अगर वेजिटेरियन तो भाई सॉरी, मगर यहाँ पर पकौड़ा भी तला जा रहा है, ये चिकन पकौड़ा बन रहा है, मीन्स कोल्ड ड्रिंक्स के साथ होगा। तो आहा, गरम गरम पकौड़ी ये, मगर बारिश के मौसम में ज़्यादा मज़ा आता है। बट कोई नहीं, हमारा जो पार्टी है रात को है, तो ये भी टेस्टी लगेगा ही। वैसे बहुत अच्छी तरीके से फ्राई कर रहे हैं सेफ जो है, वो भी बहुत अच्छे हैं, ये लोग बहुत अच्छे खाना बनाते हैं। क्योंकि हमने लास्ट टाइम ट्राई किया मेरे फ्रेंड के बहन की शादी में, इसी वजह से इनको हायर किया गया। एंड बहुत ही अच्छे तरीके से ये लोग सारा चीज़ मिला कर अच्छे से खाना बनाया जा रहा है। तो पकौड़ा कैसा है ये तो ज़रूर पूछेंगे सबसे। तो ये रहा घर जो है, साफ़ सुथरा हो गया है, हमने घर को रेडी कर दिया है गेस्ट आने से पहले। सारा घर अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया है, क्योंकि डेकोरेट ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि छत पे सारा चीज़ होगा, बस यहाँ पर गेस्ट बैठेगा। यहाँ शाम जो है हो गया है, और डेक जो है चढ़ गया है, यहाँ पर सलाद वगैरह का सब सामान रेडी है, पार्टी जो है स्टार्ट हो चुका है गाइस। यहाँ पर सब लोग अच्छे अच्छे ड्रेस पहन के रेडी हैं, बच्चे लोग नाच रहे हैं, म्यूज़िक लाउड है, डेकोरेशन के साथ न्यू कपड़े, रेड ग्रीन येलो, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए हमारी भाभी टाटा पे टाटा करते जा रही है, बहुत ही अच्छा, इनको पता भी नहीं ये यूट्यूब में आएगा। ब्लॉग बनाच्छी किंतु एटाई आसे यूट्यूबे आप कितना खुश है यूट्यूब में आ रहा है, इतना ही सीन है आपका। आप कुछ बोलना चाहते हैं अपना बेटी का एनिवर्सरी? बहुत बहुत मुबारक उसको, हर खुशी मिले। अंकल आप कुछ बोलना चाहते हैं? आप कुछ बोलना चाहते हैं? बोलना चाहते हैं दूल्हा यहाँ का अच्छा नहीं है, वो बहुत ही केयरलेस है, हमको पत्ता ही नहीं दिया। दूल्हा जो है पत्ता नहीं दिया है, तो इस चीज को जरूर वायरल करें। मिस बा किसी दे दो, स्माइल कर दो, एक स्माइल कर दो, कर दो, हाँ मुँह घुमा ले।
यहाँ जो है पापा मम्मी दीदी जीजा मौसी लोग सभी बैठे हैं, यहाँ पर बातचीत हो रहा है, कॉमेडी हो रहा है। मैंने वॉइस को कट कर दिया है बिकॉज हमारे पर्सनल लैंग्वेज में कुछ है तो आपको बुरा ना लगे। तो यहाँ पर भैया जो है केक काटने के लिए बोल रहे हैं, मगर बहुत सारे गेस्ट अभी आए नहीं हैं। बच्चे लोग नाच रहे हैं, कोई सोमपरी बनी हुई है तो कोई नाइटमेयर बनी हुई है, कुछ भी है, बट यहाँ पर बिरयानी का डेक जो है वो रेडी हो, गाना आप सुन पा रहे हैं। पूरे पार्टी पे पुष्पा का गाना बज रहा है, डांस वगैरह भी पुष्पा के गाने पे ही होगा शायद। अब यहाँ पर सारे बच्चे जो है खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, अब केक कटिंग का टाइमिंग आ गया है, तो चलिए केक को लाते हैं। यहाँ पर केक जो है हमने इंस्टाग्राम से एक लेडी है उनसे ऑर्डर किया गया था, तो बहुत ही अच्छा केक उन्होंने बना के दिया है। 3 pound का केक है, बहुत ही अच्छा है इनका। अगर प्राइस चाहिए या नंबर चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूँगा। बहुत ही खूबसूरत केक हुआ है, केक देखकर सभी गेस्ट बोल रहे थे कि यार सच में बहुत खूबसूरत केक है, बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल का केक है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। और इनको उन लोग ने जो लाया है इस केक को वो भी भाई सल्यूट है, बहुत अच्छी तरीके से लेके आया है इतनी दूर तक। तो ये केक कटिंग का जो टाइम है ये स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर भाभी भैया जो है आप देख सक रहे हैं, पिंक साड़ी में भाभी है, भैया ब्लू शर्ट में है, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इनका जोड़ी। यहाँ पर सभी हाई कर रहे हैं, सभी खुश हैं, बड़े पापा हैं भाभी के, यहाँ पर मौसी है, आंटी है, अंकल है, दीदीज हैं, बहन्स हैं, बहुत लोग हैं, तो सब बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। बहुत ही अच्छा मोमेंट है ये। केक कटिंग का टाइम जो है आ गया है, बट केक काट नहीं पा रहे क्योंकि बहुत सारे गेस्ट अभी भी नहीं आए हैं, स्टिल वेटिंग फॉर द गेस्ट। यहाँ ये देख लीजिए, नावेद भाई की वाइफ है ये भी भाभी लगती है। इन्होंने ही भैया को माला पहना दिया, अब यहाँ पर माला जो है एक्सचेंज होगा भैया और भाभी के बीच में। ये अलग चीज़ है, ये भाभी के घर वाले की तरफ से किया गया, मतलब नावेद भाई है, भाभी है, उनके उन लोगों की तरफ से किया गया। बहुत अच्छे हैं सभी लोग। यहाँ पर जो है जयमाला कम्प्लीट हो गया है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है दोनों की जोड़ी विद केक। एंड साइड में जो है हमारे बगनियन भतीजे, मतलब क्या बोलते हैं, मेरी बहन के बेटे एंड बेटी है। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ केक कटिंग का टाइम जो है धीरे धीरे नज़दीक बढ़ता जा रहा है, मगर कोई ना कोई का वेट करने के लिए केक कटिंग का जो है डीले हो गया है भाई। आप लोग ज़्यादा मत सोचना कि मैंने क्या गलती बोला क्या सही, मैं कोई अंग्रेज नहीं हूँ। तो ठीक है, यहाँ पर केक कटिंग जो है होने वाला है, काट दो भाई काट दो। अरे यार कितना वेट करना है, तब से मैं वीडियो को लेते जा रहा हूँ। यहाँ पर देखो, अरे केक गिर जाएगा ये भी ना सच में। तो यहाँ पर एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी भी टेढ़ा हो जा रहा है इतनी देर वेट करते करते, एंड केक भी जो है पिघलना शुरू होगा क्योंकि यार यहाँ पर केक कटिंग जो है स्टार्ट हो गया है। केक काट रहे भैया भाभी, इतना खूबसूरत केक को काट दिया गया है बीच से। अब यहाँ पर भैया जो है भाभी को एक बाइट खिलाने वाली है, बहुत ही खूबसूरत पल, भाभी बहुत खुश, भैया बहुत खुश, और यही बनेगा आज का DP थंबनेल। तो यहाँ पर बहुत ही आशीर्वाद लिया जा रहा है, ओह माय गॉड आशीर्वाद लिया गया, बहुत ही खूबसूरत मोमेंट है। और ये देख लो भाई, ये भाई साहब केक खा रहा है लगता है, इनका नाम उज्जवल है। तो ठीक है, यहाँ पर मम्मी खड़ी है, यहाँ पर जीजा दीपक जीजा सौपन जीजा पापा अंकल सारे लोग खड़े हुए हैं। तो अब जो टाइम है डांस का, यहाँ भाभी और लामा डांस कर रही है, ये जलेबी भाई और यहाँ भाभी जो है रुकने का नाम ले रही है, ये ऊपर नीचे वाह वाह वाह, और ये शर्मा कर भाग गई है। यहाँ पर अभी भी डांस जो है जारी है, यहाँ पर भीड़ जो है ज्यादा हो चुकी है, बच्चे लोग भी डांस कर रहे हैं, बहन लोग भी डांस कर रहे हैं, भाभी अभी भी नॉन स्टॉप डांस किए जा रही है। अब बहुत हो गया लेडीज का डांस, अब बारी है जेंट्स, तो जेंट्स का डांस आप देख लो भाई, दाऊद भाई है, अनिल भैया, और मैं यहाँ पर पिंक शर्ट में टी शर्ट में खड़ा हूँ, भैया भी है यहाँ पर, साजिद भाई वाइट शर्ट में वहाँ पर है, मगर दाऊद भाई जो है हिला के रख दिए हैं पूरा, मतलब स्टेज में जितने भी लोग थे ना सब आ गए, वाह वाह वाह, पूरा साउथ इंडियन डांस। मेरा डांस आप लोग को देखना नहीं होगा अभी, चलो इतना जिद कर रहे थे तो थोड़ा डांस ही कर लेता हूँ, वैसे म्यूजिक है तो मैं कैसे रुक सकता हूँ और भाई सच में ये गाना बजने के बाद कोई भी बंदा रुक नहीं पाता। अंकल को देख लो यार, अंकल के साथ डांस करने में मजा, बहुत ही उमदा डांसर है वो,
रुकते नहीं है, चाहे कोई भी सॉन्ग लगा दो, 90s हो, 20s हो या फिर 22 हो। और यहाँ पर मेरे यार दाऊद भाई के बीच में हाथ मूवमेंट यहाँ पर मतलब दोनों ही पागल हो गए यार, क्या सोच रहे होंगे देखने वाले। और इसे कहते हैं धर्मेंद्र स्ट्राइक। ये हाथों का स्टाइल तो बहुत हो गया, पैर का एक्सरसाइज शुरू हो गया मेरे यार साजिद भाई के बीच, मैं भी रुक नहीं रहा था यार सच में। और यहाँ पर जो है इंडियन बॉक्सर, दो बॉक्सर मंच पे आ चुके हैं, बहुत ही अच्छे अकेले दोनों, भाभी के पापा एंड नावेद भाई के ससुर मतलब फादर इन लॉ है, तो बहुत ही अच्छे डांस कर रहे हैं दोनों, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। साइड में साजिद भाई रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, पहले अनिल भैया के साथ नाचे, फिर दाऊद भाई के साथ नाचे, अब मेरे साथ नाचे, अब यहाँ भी डांस कंटिन्यू है। अब आएगा मजा, अनिल भैया जो है फुल्ली गाना पे बह चुके हैं, घुस चुके हैं अंदर, फील कर चुके हैं, डांस जो है देख लो, वाह भाई वाह, मजा आ गया देखकर, बहुत ही मजा आ रहा है सबका डांस देखने को। भाई एंड का वीडियो मैं नहीं बना सकता क्योंकि अब सबको खाना खिलाना है, बहुत ज्यादा काम है। तो अब जो है एंड हो चुका है सारा पार्टी का, अब हम लोग सोने जा रहे हैं। तो रात को सोचा कि PS4 में क्यों ना गेम खेल लें, मगर यहाँ मिम्मी जो है अकेली बैठी थी क्योंकि ऊपर जाने से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी साउंड के कारण। यहाँ पर मिम्मी जो है टीवी देख रही है आराम से बैठकर, आप लोग देखो। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं लाता रहूँगा ऐसे ही वीडियो, बहुत सारे वीडियोज़ अभी, बहुत सारे ओकेशन आने वाले हैं, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर।